चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बेटा, मैं आप सब बच्चों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ, इसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस टॉपिक में आज की क्लास को हम लोग करने वाले हैं शुरुआत। क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो ये चैनल है जिसका नाम है बेटे लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर मैं आप सब बच्चों के साथ सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की जो क्लासेस हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। आज की क्लास में मैं आप सब बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज की इस क्लास में बेटा, मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कआउट करता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, किस तरह के अकाउंट बनेंगे, किस तरह की अकाउंटिंग करने की हमें ज़रूरत होगी, हर तरह के पॉइंट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है बेटा तिलक राज जैन और मैं अन अकेडमी पर सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए अकाउंटेंसी की क्लासेस टीच करता हूँ। बेटा मैं लास्ट 15 ईयर से सीए फाउंडेशन और उससे पहले सीए सीपीटी की जो क्लासेस हैं मैं टीच करता आ रहा हूँ। मेरे टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है। अब मैं अन अकेडमी पर आ गया हूँ सीए फाउंडेशन कोर्स के अकाउंटेंसी पेपर को टीच करने के लिए। और बेटा मेरी पूरी कोशिश आप बच्चों के लिए ये रहती है कि आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का एग्ज़ाम पेपर है वो आपके टोटल स्कोर में हाईएस्ट स्कोर करे। और हम ये कोशिश करते हैं कि 90s की लाइन में या तो हम लोग कोशिश करें तो 100 आउट ऑफ 100 लाने की हम कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज 90s की लाइन में हमारे अकाउंट्स का जो स्कोर है एटलीस्ट आना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आपका स्कोर करवाने में हेल्प करते हैं वो सारे टॉपिक मैं अन अकेडमी के हमारे इस चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, इसमें मैं आप सब लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस टॉपिक को मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ बेटा उससे पहले कि आप हमारे इस चैनल पर जो क्लास कर रहे हैं लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, बेटा अन अकेडमी का हमारा एक एजुकेशन ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। बेटा अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया तो यहाँ भी आपको मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। अन अकेडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है इस पर बेटा आपके लिए मैं लेकर आता हूँ कुछ स्पेशल क्लासेस जो कि होती हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, जिसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। इसके अलावा जो हमारा अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है ये भी बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए किसी तरह के कोई चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अन अकेडमी का आप एक हमारा जो प्लस कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। बेटा प्लस कोर्स का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेटा मैं आप लोगों के लिए अन अकेडमी पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वो सब टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो आपके सिलेबस को करवाने में करते हैं आपकी हेल्प। लेकिन इसके अलावा अगर आपको डिटेल्ड कोर्स अन अकेडमी पर हमारे साथ करना है तो आपको जो है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बेटा अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए आप ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपने एक बार अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटरमीडिएट की हर एक क्लास आप देख सकते हैं। बेटा अन अकेडमी पर सबसे अच्छी बात, हम जब ये वर्ड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अन अकेडमी पर जितने भी एजुकेटर हैं आप किसी भी एजुकेटर की क्लास जो है वो कर सकते हैं अपने कोर्स को लेकर। यानी कि अगर आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लिए तो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट को लेकर अन अकेडमी पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सबकी क्लास आप कर सकते हैं।
बिना किसी लिमिटेड एक्सेस के। इसका मतलब ये कि जितनी बार चाहें आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को चाहे जितनी बार आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई व्यूज़ का लिमिट आपके लिए नहीं होता है। अनअकैडमी का बेटा जो हमारा बेसिकली अगर मैं बात करूं जो सब्सक्रिप्शन है वो 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपके लिए 3500 का होता है बेटा। लेकिन अगर आप अनअकैडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है अगर वो आप लेते हैं मेरा कोड यूज़ करके, मेरा कोड है SPTILAK, SP तिलक। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट के बाद हमारा अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलता है 3150 में। इसी तरह से अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 मंथ्स के लिए तो बेटा 3 मंथ्स का जो हमारा ये सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिलता है 7875 में। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 मंथ्स के लिए तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मिलता है 12600 में। अगर आप 12 मंथ के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा आपको आफ्टर डिस्काउंट ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 15750 में। और अगर आप 24 मंथ के लिए जाना चाहें तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है बेटे 18900। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा जो कि है SP तिलक। ऐसा करने से आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। चलिए दूसरी बात ये कि आप अगर बोलें कि सर हमें किस तरह का अनअकैडमी का कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो बेटे अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट बोथ के लिए, मतलब आपने इस बात को माइंड में सेट कर लिया कि भाई मैं अनअकैडमी पर CA फाउंडेशन या इंटरमीडिएट दोनों लेवल की क्लासेस करना चाह रहा हूँ तो बेटा आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए वो एटलीस्ट 12 मंथ्स का या तो 24 मंथ वाला लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या रहता है बेटा कि आपको बोथ ग्रुप की कोचिंग आपकी इसमें हो सकती है। और अगर मैं ये बोलूं कि अनअकैडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है अगर बेटे आप सिर्फ CA फाउंडेशन के लिए लेते हैं तो 6 मंथ्स या 12 मंथ्स के साथ आप जा सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो चलिए अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैं बोल रहा हूँ आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा। मेरा कोड है SP तिलक, SPTILAK। तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी किए इसको करते हैं स्टार्ट। और अगर बेटा अभी तक आप लोगों ने हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा अनअकैडमी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारा जो अनअकैडमी का चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दें ताकि आपके पास हर तरह का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। तो चलिए बेटा बिना कोई देरी किए आज की क्लास को मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज की जो हमारी ये क्लास है बेटा इसमें मैं आप लोगों को टॉपिक जो करवाने वाला हूँ इस टॉपिक का नाम है बेटे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस टॉपिक को मैं स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूँ। आप सबसे पहले ये समझ के चलो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बेटा इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मोटिव सोशल वेलफेयर करना है, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए गए जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव जो है सिर्फ सोशल वेलफेयर करना है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव सोशल वेलफेयर करना होगा तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील किया जाएगा, उसमें अकाउंटिंग कैसे की जाएंगी, उसको लेकर के मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं ये देखिएगा, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड नॉट टू अर्न एनी प्रॉफिट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बट टू रेंडर द सर्विस टू इट्स मेंबर, लेकिन उनका काम होता है कि वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें एंड टू द पब्लिक, और पब्लिक को भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये बोलते हैं सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इसमें इन सबको इंक्लूड किया गया।
मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इज मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। इन सब का जो इनकम का सोर्स होता है मेनली, या तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, या तो डोनेशन है, या तो गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट्स, ये सब हमारे लिए इन सब की इनकम का मेन सब्सक्रिप्शन का मेन जो है वो आपकी इनकम का सोर्स रहता है। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात क्लियर है क्या? इसमें लिखा गया द एज द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, इसलिए ये लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, बट स्टिल दे वुड लाइक टू नो वेदर देयर करंट इनकम आर सफिशियंट टू मीट देयर करंट एक्सपेंस। लेकिन इनके पास इतना रेवेन्यू होना चाहिए कि जिससे कि वो करंट एक्सपेंसेस को बियर कर पाए। फॉर दिस पर्पस दे प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस पर्पस के लिए ये लोग अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, फॉर विच सिमिलर एज अ P&L अकाउंट, जो कि एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। अब बैलेंस शीट इज ऑल्सो प्रिपेयर इन ऑर्डर टू शो द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और ईयर एंड पर हम लोग एक बैलेंस शीट भी जो है वो बना करके चलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो भाई एक तो बनाएगा आपका ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम लोग इसके अंदर बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेटे अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक बनाकर चलना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि इक्वलेंट टू कैश बुक है। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समरी ऑफ कैश बुक बना सकते हैं। एक इन्हें बनाकर चलना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि इक्वलेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और एक इन्हें बनाकर चलनी होगी बैलेंस शीट। मतलब ये, अगर मैं सही बात बताऊं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो कंसेप्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको, ठीक बात है? अगर हम लोग बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहली बात क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लोग एक तरह की कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहली बात, ये लोग पूरा ईयर क्या बनाते हैं बेटे, एक कैश बुक बनाते हैं। ईयर एंड पर इस कैश बुक की हम लोग एक समरी जो है वो तैयार करते हैं। कैश बुक की जो समरी है उसे हम लोग नाम देने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की जो समरी है उसे हम लोग नाम देने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बुक की जो आपकी समरी है इसे हम लोग नाम देने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बिहाफ पर आपको बनाना होता है बेटे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बिहाफ पर एक तो बेटे आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बेटा इसमें आपको बनानी होती है बैलेंस शीट। तो मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो बेटा कैश बुक आप पूरा ईयर बनाते हैं। कैश बुक की जब आप समरी बनाएंगे तो कैश बुक की जो समरी है उसे हम लोग नाम दे देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उस समरी के बिहाफ पर एक आपको बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। एक हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। अभी आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। तो बेटे अगर इन सब बातों को मैं बेस बनाकर चलूंगा, तो ये देखिएगा यहां मेरे पास प्रैक्टिकली क्या है।
यहां लिखा गया डोनेशन, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस आर द सम सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कुछ सोर्स हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं। दीज आइटम्स हैव सेपरेट ट्रीटमेंट, सम बीइंग कैपिटलाइज्ड एंड अदर आर ट्रीटेड एज अक्रूवल बेसिस। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम कैपिटलाइज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोग अक्रूवल बेसिस पर इनकम जो है वो ट्रीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेटे अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहली बात, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनल अकाउंट होंगे उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो मैंने बोला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट जो है ये भी आपको बनानी पड़ेगी। तीन चीजें हम लोग बनाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, दिस अकाउंट इज मेयरली अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शंस अपीयर इन द कैश बुक। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का समरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, एंड इट इज फॉर्म ऑफ द अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बाय द ट्रेजरर ऑफ सोसाइटीज क्लब्स व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द ईयर्स वर्किंग। मतलब ये कि इन सबको हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने बोला अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम कैश बुक। सबसे पहली बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक से हम लोग बनाएंगे। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विच आर एंटर्ड इन कैश बुक आर ऑल्सो एंटर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितनी भी आपकी रिसिप्ट और पेमेंट होंगी कैश बुक की, उनको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। ऑफ द समरी ऑफ कोर्स फॉर्म ऑल ट्रांजेक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक विल नॉट एंटर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो। मतलब ये कि भी अगर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिन्हें कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो बेटा उन्हें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं लिखा जाता। ये देखिए, अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। मतलब ये एक तरह का समरी ऑफ कैश बुक है जिसमें डेट कॉलम नहीं होता है। इट इज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंट कॉमनली अडॉप्ट बाय नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एज हॉस्पिटल्स क्लब्स सोसाइटीज टेम्पल्स चर्च। मतलब ये कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह की समरी है जिसमें एक तरफ जितना पैसा हमारे पास आया वो लिखेंगे, एक तरफ जितना पैसा गया हम वो लिखेंगे। प्रेजेंटिंग द पीरियोडिकली द रिजल्ट ऑफ देयर वर्किंग। इट कंसिस्ट ऑफ क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश और बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द सर्टेन पीरियड टूगेदर विद द कैश बैलेंस एट द बिगनिंग और एट द क्लोज पीरियड। द रिसिप्ट आर एंटर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द पेमेंट ऑन राइट हैंड साइड। सेम साइड आर दोज विच अपीयर इन द कैश बुक। यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डिट्टो वैसे ही बनेगा जैसे कि भाई आप कैश बुक बनाते हो, एक तरफ इसमें रिसिप्ट साइड होंगी और एक तरफ भाई इसमें पेमेंट साइड होंगी। ये देखिएगा स्क्रीन पर, मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बता रहा हूं। और एक जर्नली जो अगर आप एनजीओ की बात करेंगे, तो एक जर्नल एनजीओ को किस तरह से जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है उसका फॉर्मेट आपको दिया गया। और जब ये फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिएगा, अगर बेटे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर बनाना हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग, तो ये देखिएगा सबसे पहले मैंने लिखा बैलेंस बीडी। इसमें एक आएगा कैश और एक आएगा बैंक। जो कैश और बैंक का बैलेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन, जितना आपको सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिला, जितना आपको करंट ईयर का मिला और जितना आपको नेक्स्ट ईयर का मिला, ये सारा का सारा सब्सक्रिप्शन आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस, हम इन सब के बारे में अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेटा एंट्रेंस फीस मेंबर से मिला हुआ अमाउंट है, जो कि वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर कोई भी नया मेंबर आएगा तो वो एंट्रेंस फीस हमारे एनजीओ को पे करेगा। इसके अलावा डोनेशन, अगर किसी भी मेंबर से या आउटसाइडर से हमें डोनेशन मिलता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जनरल डोनेशन भी मिल सकता है, तो ये सब हमारे लिए कैश रिसिप्ट है। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर कोई भी पर्सन हमें लाइफ मेंबरशिप फीस देगा वो एक तरह का रिसिप्ट है। लीगेसी, अगर कोई पर्सन अपनी विल का एक पार्ट आपके एनजीओ के नाम करता है उसे लीगेसी हम लोग वर्ड यूज करेंगे। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट इसी में आएगी। कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर इसी में आएगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, रिसिप्ट फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट्स, ये सब इसी में आएंगे। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ मैगजीन, मतलब जितनी भी मिसलेनियस रिसिप्ट है, जो पैसा रिसिप्ट के नाम पर आ गया वो सब आपका रिसिप्ट साइड में रहेगा। एक एनजीओ को जो रिसिप्ट होंगी, मैं आपको बता दूं, रिसिप्ट के दो नेचर में बनाऊंगा। एक हमारे पास होंगे कैपिटल नेचर और एक हमारे पास होंगे रेवेन्यू नेचर। हम डिस्कस करेंगे कौन सा कैपिटल नेचर होगा, कौन सा रेवेन्यू नेचर होगा, उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। बेटे अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस कैश या बैंक बैलेंस था तो वो तो इसमें आ गया, और ओपनिंग बैलेंस अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो वो हमारा पेमेंट साइड में आता। बेटा इसमें अगर आप एक्सपेंस की बात करें तो एनुअल स्पोर्ट्स एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, फर्नीचर परचेज किया तो वो आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए तो वो आ गए, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स ये आ गई, ऑडिट फीस आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया। जितने भी एक्सपेंस आप करेंगे, ऑनरेरियम, किसी को सम्मानित अगर आप करते हैं उसके लिए उसको ऑनरेरियम पेड होता है, बैंक चार्जेस आ गए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ गया, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गए, कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस आ गए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आ गया, सन्ड्री एक्सपेंस आ गया, एनुअल डिनर एक्सपेंस आ गया, 12% इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने रखा कि किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो आ गई, और बैलेंस कैश और बैंक का जो अगर बैलेंस होगा तो वो आ गया। तो एक तरफ हमने बना दिया बेटा रिसिप्ट और एक तरफ हमने बना दिया पेमेंट। तो एक तरफ रिसिप्ट्स हैं और एक तरफ पेमेंट्स हैं। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बिहाफ पर बेटे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है जिसको बेटा आप सबसे पहले नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अब मैं इसके बिहाफ पर बेटे आपको बनवाने वाला हूँ। आपको मैं इसके बिहाफ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये बनवाने वाला हूँ। तो आप जरा सब लोग सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने का जो डेटा है उसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, और उसके बिहाफ पर मैं आप लोगों को इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है अभी बनवा करके चलने वाला हूँ। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर है, बताइए। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, आपको इतना क्लियर है क्या? और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनवाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटे अगर आपको बनाना है,
फर्स्टली आपको ये जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका नोट हो जाए ताकि बेटे मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बता पाऊँ। चलिए सब लोग इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट करें, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन जो है वो करवाने वाला हूँ। सब बच्चे इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। जितना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ स्वराज क्लब, ये वाला टॉपिक जो है मैं आपको करवा रहा हूं बेटे, फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए। चले तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, स्वराज क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपको करवाना है। तो बेटा इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उन इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं आप लोगों के लिए चलने वाला हूं। तो चलिए फिर, मैंने सेम क्वेश्चन मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है वहां रख लिया, और चलते हैं फिर स्वराज क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को लेकर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब, ये हमें देखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्वराज क्लब, ये हमें देखना है। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहली बात, जितना हमारे पास पैसा आएगा और जाएगा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले नंबर पर स्वराज क्लब के इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पहले नंबर पर फिगर है एंट्रेंस फीस, उसके बाद मेंबरशिप फीस, डोनेशन, फूड स्टफ सेल, सैलरी वेजेस पेड, परचेज, कंस्ट्रक्शन, जनरल एक्सपेंस, रेंट, बैंक चार्जेस। इसके अलावा कैश इन हैंड हमारे पास ओपनिंग में था 200, क्लोजिंग में है 350, कैश एट बैंक ओपनिंग में था 400, क्लोजिंग में है 590। तो भाई इसको स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी, आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी। हमारे पास जितना कैश इन हैंड हमारे पास होगा वो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे, जितना हमारा कैश एट बैंक होगा उसको भी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे। कैश इन हैंड हमारा है 200 और कैश एट बैंक हमारा है 400। उसके बाद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एंट्रेंस फीस के नाम पर हमें मिला 300। मैं स्क्रीन बार बार चेंज करूंगा बेटे, एंट्रेंस फीस इसके नाम पर हमें अमाउंट मिला 300, ये हमने लिख दिया। एंट्रेंस फीस के नाम बाद मेंबरशिप फीस के नाम पर मिला 3000। चलिए मेंबरशिप फीस बेटे, मेंबरशिप फीस के नाम पर हमें अमाउंट मिला 3000, ये हमारा आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन कितना है, 10,000। डोनेशन अगर हमें मिला, डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, भाई क्लब पवेलियन के लिए अगर हमें डोनेशन मिला, कितना अमाउंट मिला, 10,000, ये इसमें आ जाएगा। चलो डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन के बाद फूड स्टफ सेल हमने किया, खाने का सामान सेल किया 1200 रुपये का, यहां लिखेंगे टू फूड स्टफ सेल। फूड स्टफ सेल हमने किया 1200, ये अमाउंट आ गया। अब ये वाली बात बताएं सब लोग, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, फूड स्टफ सेल इसमें आ गया। चलिए फूड स्टफ सेल आने के बाद फिर हमारे पास आ गया बेटा सैलरी एंड वेजेस, ये अमाउंट है 1200। सैलरी एंड वेजेस का अमाउंट है 1200, तो चलिए बाय सैलरीज एंड वेजेस,
सैलरीज एंड वेजेस के नाम पर है 1200, ये अमाउंट आ गया। सैलरीज एंड वेजेस के बाद परचेज ऑफ फूड स्टफ, ये हमारा आ गया 800। परचेज ऑफ फूड स्टफ इसी में आएगा, बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ, परचेज ऑफ फूड स्टफ ये हमारा आ गया 800। चलिए उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000, यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन। क्लब पवेलियन के लिए हमें जो पैसा खर्च करना पड़ा वो करना पड़ा 11,000, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है बेटे जनरल एक्सपेंस 600 रुपये, जनरल एक्सपेंस का अमाउंट 600 है, तो चलिए जनरल एक्सपेंस ये अमाउंट आ गया 600, ये लीजिए। जनरल एक्सपेंस के बाद अगर आप चेक करेंगे रेंट एंड टैक्स 400, ये लिखते हैं बाय रेंट एंड टैक्स, ये अमाउंट है 400, ये अमाउंट आ गया। रेंट एंड टैक्स के बाद बैंक चार्जेस 160, तो भाई बैंक चार्जेस का जो अमाउंट है 160, ये आ गया। बैंक चार्जेस ये अमाउंट है 160, ये वैल्यू आ गई। इतना काम करने के बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 350 और 590, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बेटा जनरली अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो ये मिसिंग फिगर भी पूछ सकता है आपसे, इन्होंने क्वेश्चन में दी है तो हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैश इन हैंड भी दिया है और कैश एट बैंक भी दिया है। कैश इन हैंड हमारे पास है 350 और कैश एट बैंक हमारे पास है 590, तो ये 350 और ये 590, ये वैल्यू आ गई। इतना काम करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे बेटे, ये टोटल और ये टोटल बोथ साइड हम लोग एग्री कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें 200, 400, 300, 3000, 10,000 और 1200, ये वैल्यू आएगी 15,100। इसको यहां से देखें तो 1200, 800, 11,000, 600, 400, 160, 350, 590, तो ये वैल्यू आएगी 15,100 रुपीज। चलिए अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बोलिए, समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे इससे आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, मैंने जिसमें आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बता दूं बेटे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें तो आप सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। चलिए अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहली बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर एज इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी एंड इज प्रिपेयर टू असर्टेन वेदर द करंट इनकम आर इन एक्सेस ऑफ करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। इट इज प्रिपेयर इन द सेम मैनर इन विच अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर इन द केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन।
हेंस ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस इज अ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड व्हाइल ऑल इनकम एंड गेन ऑफ द रेवेन्यू नेचर आर इन क्रेडिट साइड। मतलब ये कि जितनी भी आपकी इनकम या एक्सपेंडिचर होंगे जिनका नेचर रेवेन्यू नेचर का होगा वो डेबिट साइड में रखा जाएगा और जितने भी इनकम या गेन होंगे वो सब क्रेडिट साइड में रखे जाएंगे। लेकिन आप बेटा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां स्क्रीन पर मैंने आपके लिए फॉर्मेट रखा है लेकिन इस फॉर्मेट को मैं पेंडिंग छोड़कर, बैलेंस शीट को पेंडिंग छोड़कर बेटे मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स आपको सिखाऊंगा। यानी कि यहां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सम इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए बेटे, अगर मैं बात करूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जब आएंगी, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस जब आएंगी, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस जब आएंगी तो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस में दो तरह की ट्रांजेक्शन मेरे पास आएंगी। एक मेरे पास आती है कैपिटल नेचर आइटम, आप मेरी बात को समझिएगा, एक मेरे पास आती है बेटे कैपिटल नेचर आइटम्स और एक मेरे पास आती है बेटे रेवेन्यू नेचर आइटम्स, एक मेरे पास आती है रेवेन्यू नेचर आइटम्स। अगर मेरे पास कैपिटल नेचर आइटम्स आएंगी तो कैपिटल नेचर आइटम्स में एक आती है कैपिटल रिसिप्ट, मैं आप सब लोगों को बता दूं एक आती है बेटा कैपिटल रिसिप्ट और एक आते हैं मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक आती है मेरे पास कैपिटल रिसिप्ट और एक आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह की बातें हैं। इसी तरह से अगर हम लोग रेवेन्यू नेचर की बात करें तो रेवेन्यू नेचर में दो चीजें आ सकती हैं, एक मेरे पास आ सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर में एक मेरे पास आ सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक मेरे पास आ सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक मेरे पास आ सकती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक मेरे पास आ सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बेटे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होंगे, कैपिटल नेचर की जितनी भी आइटम्स होंगी वो रिलेटेड विद बैलेंस शीट, मैं आपको बता दूं रिलेटेड विद बैलेंस शीट, उनको जो है आप बैलेंस शीट से रिलेट करेंगे। कैपिटल नेचर की जितनी भी आइटम्स होंगी उनको रिलेट किया जाएगा बैलेंस शीट के साथ और जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी जितनी भी उन्हें रिलेट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ, उन्हें रिलेट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। जो आपके रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी उन्हें हम लोग रिलेट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ। आप मेरे को ये वाली बात बताएं पहले, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या कि जो रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी उन्हें रिलेट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस के अंदर नंबर वन, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस नंबर वन अगर मैं आप लोगों को बताऊं सब्सक्रिप्शन के बारे में, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। यहां जो पॉइंट मेरे सामने यूज होने वाले हैं, सबसे पहला नाम मेरे पास आता है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन जो है उसका नेचर रेवेन्यू नेचर आइटम होगा, सबसे पहली बात सब्सक्रिप्शन जो है उसका नेचर रेवेन्यू नेचर होगा, ये बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। सब्सक्रिप्शन का जो नेचर है वो कौन सा होगा भाई, रेवेन्यू नेचर, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। और रेवेन्यू नेचर मानते हुए सब्सक्रिप्शन जो है रेवेन्यू नेचर है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इसीलिए इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा? सब्सक्रिप्शन का नेचर रेवेन्यू नेचर है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में इसे हम लोग शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में हम इसे शो करेंगे, ये वाली बात अपने को ध्यान रखनी है। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है रेवेन्यू नेचर का होता है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में इसको हम शो करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट होगा उसको डील कैसे किया जाएगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको रिसिप्ट में मिलेगा तो उससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दी गई हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप जब बनाएंगे तो जितना भी आपको रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिलेगा, रिसिप्ट साइड में जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट मिलेगा, आपने क्या कर देना है, बाय सब्सक्रिप्शन ये अमाउंट आपने यहां रखा, करंट ईयर में जो रिसीव था वो ले लिया, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसे आप करेंगे ऐड, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर उसे हम लोग क्या कर देंगे, लेस। सब्सक्रिप्शन के नाम पर जो करंट ईयर का अमाउंट है उसे हम लोग करेंगे ऐड, और सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का है उसे हम लोग करेंगे बेटे लेस। इसके अलावा ऐड, अगर हम लोग बात करें एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का होगा उसे तो हम लोग करेंगे ऐड और लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला जो एडवांस है उसे हम लोग करेंगे लेस। और इन सब बातों को एडलेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारे पास इनकम साइड में अपीयर होगा। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं, बाय सब्सक्रिप्शन ये अमाउंट आ गया, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, लेस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, उसके बाद ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर और लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। इनको एडलेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम अपनी इनकम मान करके चलने वाले। तो सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये आपको क्लियर है क्या? जिस तरह से मैंने स्क्रीन पर भी इसको लिखा हुआ है फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए, मैं ऐसा मानता हूं नोट करना जरूरी है। ये लीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप इसको नोट करिए, मैं एक मिनट दूंगा स्क्रीन फुल कर देता हूं, ये लीजिए।
चलिए हो गया क्या, बताइए, ये नोट हो गया आपका। चलिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला पॉइंट आपका था बेटा सब्सक्रिप्शन। मैं हर एक पॉइंट जो है वो आपको बताकर चलूंगा। नंबर टू आप लिखिएगा, सब्सक्रिप्शन को डील कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। नंबर टू, हम लोग डील करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटे अगर मैं लाइफ मेंबरशिप फीस की बात करता हूं, लाइफ मेंबरशिप फीस एक तरह का मेंबर से मिला हुआ लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इसका जो नेचर होगा वो कैपिटल नेचर होगा। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर आइटम है, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल नेचर आइटम है, और लाइफ मेंबरशिप फीस का जो अमाउंट है उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में रखा जाएगा, उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में रखा जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस जो है उसको लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड जो है वहां रखा जाएगा। चलिए नंबर थ्री, अगर मैं लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद बात करूं, एक एक पॉइंट पहले आपको एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने से पहले हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। लाइफ मेंबरशिप फीस के बाद एक पॉइंट आता है इंडोमेंट फंड, एक पॉइंट आता है इंडोमेंट फंड। बेटा इंडोमेंट फंड एक तरह का गिफ्ट है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से मिलेगा, लेकिन उसको भी हम लोग कैपिटल नेचर मानते हुए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रखेंगे, इसको भी हम लोग कैपिटल नेचर मानते हुए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो है उसे हम लोग वहां अपीयर करेंगे। इंडोमेंट फंड के बाद पॉइंट नंबर फोर, अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस फीस, बेटे एंट्रेंस फीस को कुछ लोग एडमिशन फीस भी बोलते हैं, एंट्रेंस फीस को कुछ लोग एडमिशन फीस भी बोलते हैं। आप इसको एंट्रेंस फीस बोलिए या आप इसको एडमिशन फीस बोलिए, मतलब दोनों का एक ही है। ये देखिएगा, अगर आप एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की बात करें तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस जो है उसका जो नेचर है, जनरली कुछ भी गिवन ना हो तो हम लोग रेवेन्यू नेचर लेकर चलेंगे। एंट्रेंस फीस का जो नेचर है वो हम लोग रेवेन्यू नेचर लेकर चलेंगे, तो रेवेन्यू नेचर लेकर चलेंगे तो उसको इनकम साइड में हम लोग अपीयर करेंगे। और इफ एंट्रेंस फीस आर कैपिटलाइज, इफ एंट्रेंस फीस आर कैपिटलाइज्ड, अगर हमने एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड करना है तो फिर उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रखा जाएगा, तो उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो है उसमें हम लोग रख के चलेंगे, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम उसे रख के चलने वाले हैं। सही बात है, आप मेरे को बताइए ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बोलिए। इसके बाद एंट्रेंस फीस के बाद अगर मैं आपको बताऊं, एंट्रेंस फीस के बाद अलग अलग पॉइंट्स की बात मैं कर रहा था, एंट्रेंस फीस के बाद एक वर्ड आता है बेटा डोनेशन। आप लिखते चलिए, एक वर्ड हमारे पास आएगा डोनेशन, एक वर्ड हमारे पास आएगा डोनेशन। डोनेशन का जो अमाउंट है प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो डोनेशन में दो बातें हैं, एक तो आता है जनरल डोनेशन, एक तो हम लोग लेकर चलेंगे जनरल डोनेशन, और एक हम लोग लेकर चलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। एक तो हम लोग लेकर चलेंगे जनरल डोनेशन और एक हम लोग लेकर चलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। बेटे अगर जनरल डोनेशन है तो उसका जो नेचर होगा वो रेवेन्यू नेचर होगा, जनरल डोनेशन जो है वो रेवेन्यू नेचर होगा, और जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर है
तो वो इनकम साइड में उसको हम लोग अपीयर करेंगे। सबसे पहली बात हमें ये समझनी है, जनरल डोनेशन जो है वो रेवेन्यू नेचर होगा और उसे हम लोग इनकम साइड में अपीयर करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, मैंने क्या बोला, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो स्पेसिफिक डोनेशन जो होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो बेटे वो किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का होगा स्पेसिफिक डोनेशन। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का है तो उसे हम लोग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जो है इसमें हम उसको शो करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम उसको शो करेंगे। यानी कि अगर जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू नेचर का है, इनकम साइड में शो करेंगे। स्पेसिफिक डोनेशन है, कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में उसको हम शो करेंगे। चलिए, डोनेशन के बाद अगर मैं बात करूं, डोनेशन वर्ड के बाद एक वर्ड मैं लिखने वाला हूं लीगेसी, एक वर्ड मैं लिखने वाला हूं लीगेसी। लीगेसी को हम लोग बोलते हैं बेटे पार्ट ऑफ विल। जो एक पर्सन अपनी विल बनाता है, एक पर्सन अपनी वसीयत बनाता है, तो अपनी विल का एक पार्ट वो क्या बनाएगा, लीगेसी। लीगेसी अगर हमारी संस्था को मिलती है तो सबसे पहली बात वो कैपिटल रिसिप्ट होगी। अगर लीगेसी हमारी संस्था को मिलती है यानी कि एनजीओ को मिलती है तो भाई वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा। और लीगेसी अगर कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो कैपिटल नेचर रिसिप्ट मानते हुए उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में रखा जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में उसे रखा जाएगा। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, फटाफट से बताइए और इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगर हम लोग इसको आगे बढ़ें, लीगेसी के बाद एक वर्ड मेरे पास है, लीगेसी के बाद एक वर्ड मेरे पास है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ओब्लिक एनी मिसलेनियस रिसिप्ट। किसी भी तरह की कोई रद्दी सेल कर दी या किसी भी तरह से कोई भी मिसलेनियस रिसिप्ट आपके पास अगर आती है बेटा तो उसका नेचर हम लोग रेवेन्यू नेचर मान लेंगे। और रेवेन्यू नेचर मानते हुए उसको हम लोग शो करेंगे बेटा इनकम साइड में। रेवेन्यू नेचर मान लेंगे, रेवेन्यू नेचर मानकर उसे हम लोग शो करेंगे बेटे इनकम साइड में। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या, रेवेन्यू नेचर मानकर इनकम साइड में उसे हम शो करेंगे। पॉइंट नंबर 8 मैं आपको बना के दे रहा हूं, लिखिएगा। एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, एक वर्ड लिखिएगा पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम होता है किसी को सम्मानित करना, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। बेटा ऑनोरेरियम जो होता है वो किसी को सम्मान देने के लिए पेमेंट हम करते हैं, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा, रेवेन्यू नेचर का ये पेमेंट होगा। और रेवेन्यू नेचर का पेमेंट मानते हुए इसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड जो है वहां इसे हम लोग शो करेंगे। रेवेन्यू नेचर मानते हुए एक्सपेंडिचर साइड में इसे हम लोग शो करेंगे। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम ये आएगा। इसके अलावा
अगर मैं बात करूं एक पॉइंट, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है, तो मैं आपको याद करा दूं, अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट हमें मिलती है तो गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट रेवेन्यू नेचर की होगी। गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट रेवेन्यू नेचर की होगी, गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट रेवेन्यू नेचर की होगी, और रेवेन्यू नेचर मानते हुए उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे बेटे, इनकम साइड में। गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट रेवेन्यू नेचर की होगी तो इसे हम लोग शो करेंगे भाई इनकम साइड में। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है? गवर्नमेंट से मिलने वाली ग्रांट रेवेन्यू नेचर की होगी। इसके अलावा अगर मैं एक बात, एक पॉइंट आता है बेटा, कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स वो होती हैं जिनका हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होता है, जिनका हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा होता है, और जिनको हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज, ड्यूरिंग द ईयर किया होता है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर किया होता है, जिनका हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है, जिनका हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, और जिनको हमने परचेज ड्यूरिंग द ईयर किया होता है। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज, ये सब हमारे पास होगा। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका ट्रीटमेंट आपको बताऊं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसको लेंगे बेटे एक्सपेंडिचर साइड में। सबसे पहली बात, कंज्यूमेबल आइटम्स को, लाइक अगर मैंने बोला स्टेशनरी कंज्यूम, तो कंज्यूमेबल आइटम को हम लोग ऐसे डील करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं स्टेशनरी कंज्यूम्ड, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड को ऐसे डील किया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लीजिए, इसमें ऐड करो परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इसको हम लोग लेस करेंगे, है ना। इन सबको एड लेस करके ये वैल्यू आ जाएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम लोग शो करेंगे। और एक बात बता दो, जो ओपनिंग स्टेशनरी है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टेशनरी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। ओपनिंग स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग स्टेशनरी जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपीयर होगा। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या, बताइए? अगर आपको इतना क्लियर है तो हम इससे आगे की बात जो है फिर करने वाले हैं। आप मेरे को ये बता दो, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, बोलिए? इतना अगर आप लोगों को क्लियर है तो इससे आगे की बात फिर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, ठीक बात है ना? आप सब बच्चे बताओ, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? अगर आपको इतना क्लियर होगा तब हम इससे आगे की बात करेंगे, बोलिए। चलिए फिर, अगर इतना आपको क्लियर है तो मैं आपको बता दूं, इतना क्लियर होने के बाद मैं आप लोगों को इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो मैं करवाने जा रहा हूं, इसके बिहाफ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है मैं आपको करवाने जा रहा हूं। तो स्क्रीन पर मैं आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये लीजिए, स्क्रीन पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है,
आप सब लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करें। स्क्रीन पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को नोट करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक बार आप सब बच्चे इसको नोट करिए, मैं फुल स्क्रीन जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूं। चलिए चलिए हो गया नोट, करें आगे डिस्कस। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में खास बात देखो क्या है बेटे। सबसे पहली बात इसने लिखा, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। हमें इसके अंदर बैलेंस बीडी ये हमें दिया गया 2300, सब्सक्रिप्शन हमें दिया गया, इंटरेस्ट रिसीव, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, मैच फंड, मिसलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ ग्रास, ये सब इनकम में दिया गया। एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो मैच एक्सपेंस, रेंट, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ये हमें दिया गया। इन सब के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 ₹4,000 एंड 31 मार्च 2014 ₹6,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग में है 2,000, 2,500। 31 मार्च 2013 ईयर के स्टार्टिंग में क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं। ये कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे। तो अगर आप मेरी बात को समझिएगा तो मेरे पास यहां पॉइंट नंबर फाइव की, क्वेश्चन नंबर फाइव की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग जो हैं क्या क्या बनाकर चलने वाले हैं, तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का सॉल्यूशन जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसमें बेटे एक तो मैं आपके लिए बनाकर चलने वाला हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले नंबर पर मैं आपके लिए इसमें बनाकर चलने वाला हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें बनाकर चलने वाला हूं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का डाटा हम इसमें बनाकर चलेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद एक मैं आप लोगों के लिए बनाकर चलने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए यहां बनाकर चलने वाला हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाएंगे और एक हम लोग बनाएंगे बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक हम लोग यहां बनाकर चलने वाले हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हम लोग बनाकर चलने वाले हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये हम लोग इसमें बनाकर आप लोगों के लिए चलने वाले हैं। एक हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरह से हम लोग इसको लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये देखो जरा, सबसे पहली बात ओपनिंग बैलेंस हमारा है 2300 और क्लोजिंग बैलेंस हमारा है 18780। ओपनिंग बैलेंस 2300 है, देखिए कैश इन हैंड ओपनिंग 2300 है, ये इसमें आ गया। और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है 18780, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड 18780, ये इसमें आ गया। ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में रख दिया, क्लोजिंग को मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में रख दिया। इतना काम करने के बाद अपन लोग बेटा एक एक पॉइंट को डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें लिखा गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 ₹4,000 एंड 31 मार्च 2014 ₹6,000। ये कहता है सब्सक्रिप्शन के नाम पर ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है 4,000 और ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है 6,000। अब मेरी बात को समझिएगा, सबसे पहली बात आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 4,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 4,000, ये इसमें आ गया। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में है 6,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में है 6,000, ये इसमें आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में है 4,000, क्लोजिंग में है 6,000, ये आ गया। इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन का जो ये अमाउंट है बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का जो ये अमाउंट है आप उठाओ सबसे पहले रिसिप्ट साइड से, रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन के नाम पर 56,400 है। चलिए सब्सक्रिप्शन के नाम पर 56,400 था, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला तो ऐड कर देंगे, करंट ईयर में 6,000 है वो तो ऐड कर देंगे, और लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला है 4,000 वो लेस कर दो। तो ऐसा करने से हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई 58,400, ये वैल्यू आ गई सब्सक्रिप्शन के नाम पर 58,400, ओपनिंग वाला ओपनिंग में क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, ये आपको रखना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2014 आर 2,025। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पर ओपनिंग में है 2,000, क्लोजिंग में है 2,500। तो चलिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम पर ओपनिंग में है 2,000, ये आ गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम पर क्लोजिंग में है 2,500।
आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम पर क्लोजिंग में है 2500 रुपये, ये अमाउंट आ गया। ओपनिंग वाला ओपनिंग में आ गया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में आ गया। चलिए यहां हम लोग लिखेंगे सैलरीज का जो अमाउंट है, क्या करिएगा सैलरीज, आप मेरे को ये बताओ सैलरीज के नाम पर हमने कितना पेमेंट कर रखा है बेटे, 24,000। सैलरीज के नाम पर जितना हमने पेमेंट कर रखा है वो इसमें आएगा, ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पूरी बात सुनिएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2500 रुपये, ये तो ऐड हो जाएगा, और लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग वाला, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ओपनिंग वाला इसमें से लेस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सैलरीज के नाम पर 24,500 ये अमाउंट आपका निकल कर आ रहा है। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? इतना काम करने के बाद सैलरीज का पॉइंट हो गया। ये कहता है क्लब हैज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹12,000 31 मार्च 2013, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 12,000 की, फर्नीचर था 10,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे 20,000 के, यानी कि ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट 12,000 की है। तो चलिए लिखते हैं ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास थी 12,000, ये आ गई। इन्वेस्टमेंट के अलावा ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर 10,000, ईयर के स्टार्टिंग में फर्नीचर हमारे पास है 10,000, ये लीजिए फर्नीचर आ गया, और ईयर के स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं 20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ये हमारे पास हैं 20,000, ईयर के स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं 20,000, ये आ गए। आगे अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के बाद, ये बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन लगाना है 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर लगाना है 25%। चलिए फिर एक बात बताइए, फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 10,000 है ओपनिंग में, एक काम करेंगे जो ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है ना बेटे, ये सबसे लास्ट में डील करेंगे, इसके अलावा पहले परचेज सेल और ये पेमेंट सब आ जाएंगे। तो मैंने डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे एडजस्टमेंट्स को डील कर दिया। अब आप आ जाओ रिसिप्ट साइड से, पहली फिगर से आप देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था वो तो हमने लिख दिया, सब्सक्रिप्शन था वो हमने लिख दिया, इंटरेस्ट के नाम पर 300 है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 300। बेटा जो इंटरेस्ट के नाम पर इनकम आएगी बाय इंटरेस्ट 300, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया। इंटरेस्ट के नाम पर 300 का जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया। चलिए इंटरेस्ट के बाद अगर हम लोग बात करें डोनेशन, डोनेशन के नाम पर है 6,000, चलिए डोनेशन के नाम पर 6,000, डोनेशन का जो अमाउंट है 6,000, ये आ गया। चलो डोनेशन के बाद फिर मेरे पास है डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000। बेटा डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल नेचर मानेंगे, और डोनेशन फॉर बिल्डिंग का जो अमाउंट है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000, ये आ गया। चलिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग के बाद अगर हम लोग बात करें मैच फंड 10,000, और हमारे पास मैच एक्सपेंस है 6,800। बेटे याद रखिएगा जितने भी फंड हैं वो सब कैपिटलाइज होते हैं, यहां लिखेंगे मैच फंड 10,000 है वो इसमें आ गया, और मैच एक्सपेंस
6800 है वो इसमें से हमारा माइनस हो जाएगा, तो मैच एक्सपेंस माइनस होने के बाद मैच फंड की वैल्यू आ गई 3200। फिर हमारे पास क्या है, मिसलेनियस रिसिप्ट है 430 रुपए का, मिसलेनियस रिसिप्ट 430 रुपए इनकम में आएगा बाय मिसलेनियस रिसिप्ट 430, ये 430 रुपए इसमें आ गया। मिसलेनियस रिसिप्ट के बाद फिर हमारे पास है बेटे सेल ऑफ ग्रास 100 रुपीज, सेल ऑफ ग्रास 100 रुपीज बाय सेल ऑफ ग्रास 100 रुपीज, ये इसमें आ गया सेल ऑफ ग्रास के बाद। फिर हमारे पास पेमेंट साइड में मैच एक्सपेंस है, छोड़ दीजिए मैच, क्योंकि वो हो गया रेंट 9600। बेटा रेंट का जो अमाउंट है 9600, ये इसमें आ गया रेंट 9600 आ गया। रेंट के बाद सैलरीज हो गया सन्ड्री एक्सपेंस 3600, सन्ड्री एक्सपेंस 3600, सन्ड्री एक्सपेंस 3600 ये आ गया। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद इन्वेस्टमेंट परचेज 30,000। बेटे इन्वेस्टमेंट के नाम पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में था 12,000, तुमने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली 30,000 की, तो इन्वेस्टमेंट जब तुमने 30,000 की परचेज कर ली तो ओपनिंग में 12,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 30,000 की तुमने परचेज कर ली तो क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 42,000 आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लोजिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 42,000 जो है ये कैलकुलेट हो जाएगी। आप मेरे को बताइए इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 42,000 हो जाएगी, ये वाली बात बताइए, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बोलिए। इतना काम करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पढ़िए। इतना काम करने के बाद फिर हमारे पास न्यूज़पेपर 750, न्यूज़पेपर 750, न्यूज़पेपर का जो अमाउंट है 750 ये अमाउंट आ गया। न्यूज़पेपर के बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं 32,000 के। अब एक बात को समझना है आप लोगों को, देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स तो मेरे पास स्टार्टिंग में भी थे 20,000 के, और 32,000 के तुमने परचेज कर लिए, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के नाम पर, देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के नाम पर आपके हो जाएंगे 32 + 20, 52,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा बैलेंस सीडी क्लोजिंग है वो हमने पहले लिख लिया। बेटे यहां एक पॉइंट था कि हमें फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 25%। फर्नीचर पर लगाना है 20% डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 25, स्क्रीन पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 52,000 के, अगर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 25% 13,000 की वैल्यू, तो ये वैल्यू आने के बाद ये वैल्यू आ गई 39,000। और डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये इसमें आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000 इधर आ गया। इसके अलावा फर्नीचर की अगर हम लोग बात करें, फर्नीचर के नाम पर कितना अमाउंट है 10,000, फर्नीचर के नाम पर आपका अमाउंट है 10,000, तो चलिए फर्नीचर के नाम पर अमाउंट है 10,000।
और 20% डेप्रीशिएशन लगाने की अगर हम लोग बात करें, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, तो ये 2000 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 8000, और डेप्रीशिएशन जो 20% है वो इधर आएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर अगर अपने को डेप्रीशिएशन लगाना है तो वो इधर आएगा। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर क्या? इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटे, यहां से क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करके यहां से हम लोग निकालेंगे कैपिटल फंड, यहां से हम लोग निकालेंगे कैपिटल फंड, यहां से हम लोग क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करके यहां से हम लोग निकालेंगे सरप्लस, और उसके बाद दोनों को ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें लेकर जाना होगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं निकाल कर दूंगा आपको कैपिटल फंड, 2300 प्लस 4000 प्लस 12000 प्लस 10000 प्लस 20000। मेरे पास यहां से ये जो वैल्यू निकल कर आई 48300, माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर करते हैं तो 46300 ये वैल्यू आ गई। 48300 ये टोटल वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे, 46300 ये वैल्यू हमारे पास कैपिटल फंड में आ गई। इसके अलावा अगर हम लोग यहां से बात करें, 58400, 300, 6000, 430 और 100, वापिस से कर रहा हूं, 58400, 300, 6000, 430 और 100, ये वैल्यू आएगी 65230। डेबिट में 24500, 9600, 3600, 750, 13000 और 2000, माइनस करेंगे 65230 में से, सरप्लस के नाम पर ये वैल्यू आ गई 11780। सरप्लस के नाम पर 11780। अब एक बात आप मेरे को बताइए, कैपिटल फंड के नाम पर 46300 और सरप्लस के नाम पर 11780, हम लोग क्या करेंगे बेटे? कैपिटल फंड 46300 को लिया, ऐड ऐड हम लोग करेंगे सरप्लस, सरप्लस के नाम पर 11780 ये ऐड किया। जैसे ही इसको ऐड करेंगे 46300, 11780, ये वैल्यू आएगी बेटे 58080 रुपीज, ये वैल्यू आ गई। इतना काम करने से अब क्या होगा बेटे, ये देखिए, इतना काम करने से क्या होगा, 2500 प्लस 50000, 3200, 58080, टोटल वैल्यू 1,13,000 780, और यहां से 18,780 प्लस 6,000, 42,000, 39,000 और 8,000, वैल्यू आएगी 1,13,780। ये वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करके चलने वाले हैं। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? बोलिए। तो मैंने आप लोगों को ये तीनों चीजें किस तरह से बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किस तरह से बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, किस तरह से हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक बात है ना बेटे? तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत ही बढ़िया लेवल पर आप लोगों के साथ, आपका ये जो टॉपिक है जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक वो बात जो आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ इसी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ।
आप यूं ही मेरे साथ बने रहें, 1-to-1 पॉइंट को लेकर मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लेवल पर ये सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस करवाऊंगा। और अगर बेटा आप लोगों ने अभी तक हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है अगर आप वो लेते हैं तो आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लेते टाइम मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट। तो चलिए बिना कोई देरी किए आप मेरा सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा मेरे कोड से। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत बढ़िया लेवल पर। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच। अगर आपने बेटा हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे चैनल की हर अपडेट आती रहे। थैंक यू सो मच, बाय।